एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ट्रेडिशनल रेसिपी यानी आम के अचार की रेसिपी। गर्मी है, अचार बनाना तो बनता ही है, और इसके साथ याद आती है नानी दादी की, क्योंकि वही हमें खिलाते थे। लेकिन कोई बात नहीं, नानी दादी अगर पास में नहीं है तो हम खुद ही बनाएंगे इसको बहुत सारे स्पेशल टिप्स के साथ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आम का अचार बनाने के लिए मैंने ली हुई है लगभग 2 किलो के आसपास केरियाँ। ये रामकिला केरियाँ हैं। रामकिला केरियाँ आम का अचार बनाने के लिए बेस्ट केरियाँ होती हैं, क्योंकि ये बहुत खट्टी होती हैं, कम रेशेदार होती हैं और इनका अचार भी बहुत स्वाद डलता है। ये लगभग जून के एंड में ही आती हैं, तो कोशिश कीजिए आपको रामकिला केरियाँ मिल जाए। और अगर नहीं मिलती हैं तो बहुत सारी और लोकल केरियाँ भी आती हैं, आप उनका भी अचार डाल सकते हैं, वो भी अच्छा बनता है। तो कोशिश कीजिए बेस्ट केरी लेने की, जिससे कि आपका अचार भी बेस्ट बने। मैंने इन सभी केरियों को अच्छे से धो लिया है और सूखे कपड़े से पोंछ भी लिया है। पोंछना बहुत ज़रूरी है, केरियाँ बिल्कुल भी अचार डालने से पहले गीली नहीं होनी चाहिए। केरियों को काटने के लिए मैंने एक चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए हमें शार्प नाइफ ही चाहिए होगा और थोड़ा हमें जोर भी लगाना पड़ेगा। अब स्वाद चाहिए तो मेहनत मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। आप चाहें तो सरोते वगैरह का इस्तेमाल भी इसको कटिंग करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका बीज यानी गुठली इस्तेमाल नहीं करनी है और मैं इसको चाकू से ही काट रही हूँ। सबसे पहले हम इसके ब्लैक पोर्शन को अलग कर लेंगे, इसको अचार में नहीं ऐड करेंगे, और दोनों साइड्स को कट करते हैं। जैसे कि जनरली हम आम को काटते हैं वैसे ही इसको चारों तरफ से काटेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। जितना हो सके उतना पल्प हम गुठली से अलग कर लेंगे, गुठली को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि गुठली भी काफ़ी पल्प रहता है तो किसी न किसी इस्तेमाल में आ सकती है। सभी केरियाँ कट चुकी हैं, कोशिश की है कि एक ही समान आकार में काटूं, जिससे ये देखने में अच्छी लगे। छोटा या बड़ा आपकी इच्छा है, आप कैसे भी साइज़ में काट सकते हैं। केरियों को मैंने अलग बाउल में रखा हुआ है और ये गुठली हैं, इनको मैंने फेंका नहीं है, इनको अलग बाउल में रखा है। इनका इस्तेमाल मैं चटनी या आम पन्ना या कुछ भी बनाने में कर सकती हूँ। सभी केरियों जो मैंने काट ली हैं उनको मैं एक कॉटन के टॉवल पर फैला रही हूँ। इनको हमें 2 से 4 घंटे की धूप लगवानी है, उनको हमें झीना झीना फैलाना है, और मैं इनको थोड़ा सीधा सीधा भी कर रही हूँ केरियों को, जिससे कि इनके चारों तरफ अच्छे से धूप लग जाए। जितनी अच्छी धूप लगेगी उतना ही अच्छा हमारा अचार बनेगा। देखिए, मैंने आम की केरियों को अच्छे से धूप लगवा ली है और ये थोड़ी सी श्रिंक हो गई हैं और थोड़ी ड्राई ड्राई सी भी हो गई हैं। बस मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे केरियाँ, हमें ऐसी ही चाहिए। इनको ज़्यादा धूप नहीं लगवानी है, ज़्यादा धूप लगवाने से ये काली हो जाती हैं और काली काली केरियों का अचार ना तो खाने में अच्छा लगता है और ना ही देखने में अच्छा लगता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने केरियाँ काट ली हैं और गलती से बादल आ गए हैं या धूप बारिश आ रही है आ गई है तो आप बिल्कुल भी ना रोकें अपनी केरियों को, और पंखे के नीचे ही 2 घंटे का हवा लगवा लीजिए और इनका अचार डाल दीजिए। अगर कुछ मॉइस्चर रह भी जाता है तो जब बाद में धूप लगवाएंगे तो उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सबसे पहले मसाले की तैयारी करते हैं। मैंने ली हुई है काली सरसों लगभग 2 चम्मच, 6 ली हैं साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग ली हुई है, और मेथी दाना है वो भी 2 चम्मच है, और मैंने ली है सौंफ बारीक वो भी 2 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच पिसी हुई, 1.5 चम्मच लाल पिसी मिर्च है, और नमक है 3 से 4 चम्मच, कलौंजी है 2 चम्मच, और तेल लिया हुआ है लगभग 1 कप के आसपास। ये जो सभी मसाले हमने लिए हुए हैं, सौंफ, मेथी दाना, मिर्च, सरसों, हींग, इन सब को ड्राई ही हम एक कढ़ाई में डालकर भून लेंगे लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक। इन्हें सिर्फ इतना ही भूनना है कि इनका मॉइस्चर हट जाए और ये थोड़े कड़क हो जाएं, जिससे कि पीसने में ईजी हो जाएगा। सभी भुने मसालों को मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया। ये देखिए, इसका हमें ऐसे ही पीसना है, दरदरा बारीक बिल्कुल नहीं पीसे। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, मैंने इसमें जो सौंफ ली है वो बारीक ली हुई है, क्योंकि बारीक सौंफ की जो खुशबू आम के अचार के मसाले में आती है बहुत ही बढ़िया आती है। मोटी सौंफ का इस्तेमाल मैं खड़े रूप में ही करूँगी, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। चलिए, सब तैयारियाँ हो चुकी हैं तो बनाते हैं आम के अचार को। तो मैंने उसके लिए लिया है एक बड़ा सा बाउल, इसमें मैं डाल रही हूँ अपनी कटी हुई सारी केरियाँ जिनको मैंने धूप लगवा ली है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, मिर्च, कलौंजी, नमक। नमक अगर आपको कम लगता है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, और ये दरदरा पिसा हुआ मसाला। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वही मोटी सौंफ जो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊँगी। ये मैंने एक बाउल में मोटे ही मसाले ले रखे हैं, सरसों, कलौंजी,
मेथी दाना और सौंफ मोटी, इन सब को मैंने एक ही बाउल में एक एक चम्मच डाल लिया है और थोड़ा थोड़ा मैंने लगभग आधी चम्मच हल्दी, मिर्च और नमक भी डाला हुआ है। सबको अच्छे से मिक्स करके मैंने एक बाउल में कलेक्ट कर लिया है। इसको भी मैं सचा के मसाले में डाल रही हूँ। इससे हमारा अचार और भी टेस्टी बनने वाला है। थोड़े पीसे मसाले, थोड़े मोटे मसाले, बहुत ही जायकेदार लगता है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें तेल। तेल हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे जो हम बाद में ऊपर से अचार पर डालेंगे, इसलिए थोड़ा बचा लेते हैं। इन सब को अच्छे से मिक्स करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सभी केरियों पर मसाले और तेल की अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। लीजिए, अचार हमारा तैयार हो चुका है। बहुत अच्छे से केरियों पर कोटिंग हो गई है मसालों की। तो चलते हैं स्टोरेज के प्रोसेस पर। स्टोरेज के लिए मैंने लिया हुआ है एक कांच का जार। आप भी हो सके तो कांच या चीनी मिट्टी का जार ही स्टोरेज के लिए लीजिए। इसका जो ढक्कन लिया हुआ है वो भी एयर टाइट है, इस पर रबड़ की रिंग लगी हुई है। आप भी एयर टाइट ढक्कन का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए डालते हैं हम इसमें अपने अचार को, फिल करते हैं कांच का जार। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, सूखे कपड़े से पोंछ भी लिया है और 5 मिनट की धूप भी लगवा ली है। धूप लगवाने से क्या होगा, जो भी इसमें कोई मॉइस्चर होगा अभी अगर, तो वो धूप से एब्जॉर्ब हो जाएगा और इससे हमारा अचार जो इसमें स्टोर होगा वो लंबे समय तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। मैंने पूरा जार फिल कर लिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है फिल करते हुए। मेरा मन कर रहा है मैं एक पीस टेस्ट कर लूँ, लेकिन अब ये रेडी नहीं है, मैं इसे टेस्ट नहीं कर सकती। तो तैयार होने पे ज़रूर खाएंगे। तो लीजिए, हमारा जार पूरा फिल हो गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल जो हमने बचा कर रखा हुआ था ऊपर से। तो इससे क्या होगा, सरसों का तेल जो है प्रिजर्वेशन का काम करता है और टेस्ट को भी इन्हेंस करता है। अगर आपका अचार जल्दी ख़राब हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा सरसों का तेल डालकर ही स्टोर करें। अब इसको हम एयरटाइट ढक्कन से ढक देते हैं और लगभग 4-5 दिन के लिए हम इसको 1-1 घंटा डेली धूप में रखेंगे। धूप में रखने से क्या होगा, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी रिलीज़ होगा, जो एब्जॉर्ब हो जाएगा और अचार जल्दी गल जाएगा और खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और धूप जो है वो प्रिजर्वेशन का काम भी करती है, चीज़ों को प्रिजर्व भी करने में मदद करती है। तो धूप ज़रूर लगवाएं, उसके बाद ये अचार खाने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। आम का अचार एकदम रेडी हो चुका है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है खाने में। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं इस रेसिपी को, तो जल्दी ही आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी शेयर कीजिए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, फिर मिलते हैं।